22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे, आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, यानी आरजेडी छोड़ दी है फातमी ने। और आरजेडी छोड़ने की वजह यह है कि फातमी टिकट चाहते थे मधुबनी का, और मधुबनी का टिकट जब आरजेडी से नहीं मिला फातमी को, तो उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय मधुबनी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में जब सीटों की हिस्सेदारी बटी है, सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें आरजेडी के खाते में यह सीट नहीं आई है। महागठबंधन की दूसरी सहयोगी है सनप मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी, उसके खाते में मधुबनी की सीट चली गई है। और वीआईपी पार्टी ने मधुबनी से बद्री पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शकील अहमद जो कद्दावर नेता हैं, वो भी नाराज हैं। वो भी कांग्रेस का टिकट चाहते थे मधुबनी सीट के लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला, क्योंकि चूंकि ये सीट वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई है। तो कांग्रेस के नेता नाराज हैं, शकील अहमद। दूसरी तरफ अली अशरफ फातमी भी नाराज हैं, आरजेडी का टिकट चाहते थे, मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उन्हें टिकट नहीं मिला। और आज उन्होंने बड़ा झटका दे दिया है आरजेडी को, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज फातमी को लेकर बयान भी दिया है और कहा है कि कार्रवाई भी हो सकती है फातमी पर। जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं उन पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी, 6 साल तक निलंबित किए जा सकते हैं, ऐसे संकेत तेजस्वी यादव ने दिए हैं। और फातमी ने क्या कहा है, फातमी ने कहा है जब वो पदों से इस्तीफा दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बकायदा अपने इस्तीफे का ऐलान किया है फातमी ने, और कहा है कि अगर शकील अहमद को कांग्रेस टिकट दे देती है, शकील अहमद को कांग्रेस का सिंबल मिल जाता है, तो मैं नामांकन नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप सुनिए क्या कहा है अली अशरफ फातमी ने। अगर शकील अहमद साहब को कांग्रेस का सिंबल, फिर समझ लें आप, कांग्रेस का सिंबल हाथ मिल जाएगा, तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, उनका मदद करूंगा। लेकिन अगर उनको कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं मिलता है, तो मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से या किसी पार्टी के हैसियत से मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। किस तरह से मैंने पार्टी को सीखा है, किस तरह से अपने दोस्तों को इकट्ठा रखा है, इस तरह से राजद को मजबूत किया, ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन होगा जब मैं पार्टी से अलग हूँगा। तो मुझे, क्योंकि अभी मैं न्यूज 18 पर एक इंटरव्यू सुन रहा था तेजस्वी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को टिकट नहीं होता है, तो उनका अधिकार है कि इंडिपेंडेंट या लड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा और इंतजार करूंगा 18 तारीख तक, क्योंकि इतना लंबा रिश्ता है लालू जी से, लालू जी के परिवार से, और राष्ट्रीय जनता दल से, और पूरे परिवार से, पूरे बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा कि मैं इस पार्टी को छोड़ूं। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं मिथिलांचल के चेहरा के साथ साथ मैं एक मुस्लिम चेहरा भी हूं। तो साफ तौर पर राजद के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान करते हुए अली अशरफ फातमी, मधुबनी से टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, आरजेडी छोड़ दी है, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है मधुबनी सीट से। साथ ही यह बात भी कही है कि अगर कांग्रेस शकील अहमद को टिकट दे देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।